वेलकम टू संजीव कपूर खजाना। मैं कपिल आज आपके लिए लेकर आया हूँ पुरानी दिल्ली की एक बहुत ही पॉपुलर डिश जिसका नाम है चिकन जहांगीरी। इसको बनाने की तरकीब जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत यूनिक है, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है और काफ़ी पॉपुलर डिश है पुरानी दिल्ली में, बल्कि पूरी दिल्ली में और बाहर भी। तो चलो शुरू करते हैं हमारा चिकन जहांगीरी बनाना। तो सबसे पहले हम चिकन का स्टॉक बनाकर तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे विद बोन चिकन लिया है और यहाँ मैंने पॉट में पानी जो है वो गर्म करने के लिए रखा था, तो पानी गर्म हो चुका है। इसके अंदर सबसे पहले मैं डालूंगा कुछ मसाले, फ्लेवर दूंगा इसे। यह है धनिया, सूखा धनिया गया इसके अंदर, और उसके साथ साथ सौंफ और प्याज। प्याज आप चाहें तो रफली चॉप करके या एक प्याज के चार हिस्से करके वो भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास चॉप प्याज है तो मैं ये डाल देता हूँ इसके अंदर, और कुटा हुआ अदरक, और उसके साथ साथ कुटा हुआ लहसुन, और इसी के अंदर जाएंगी कुछ काली मिर्च के दाने और लौंग, तीन से चार बस। और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ तेज पत्ता एक से दो, दालचीनी का टुकड़ा, और दो से तीन छोटी इलायची। इसके मैं दाने खोल के डाल देता हूँ, और उसके साथ साथ एक बड़ी वाली इलायची भी। इसको हल्का सा मैं क्रैक करूँगा, और इसके अंदर ये भी गई। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैं एक उबाल आने देता हूँ, और इसके अंदर एक चीज़ बच गई है, वो है नमक। नमक गया, इसमें एक उबाल आने देता हूँ, उसके बाद मैं इसके अंदर ये चिकन डालूँगा विद बोन, और इसे अच्छे से मैं पकाऊँगा, और ये हमारा चिकन स्टॉक तैयार हो जाएगा। क्योंकि जो चिकन जहांगीरी होता है उसका ये मेन स्टेप होता है। चिकन स्टॉक फ्रेश तैयार किया जाता है, रखा हुआ चिकन स्टॉक नहीं यूज़ किया जाता है। आप चाहे तो इसे यखनी भी बोलते हैं, तो इसी से आप चाहें तो यखनी के पुलाव बना सकते हैं, यखनी बिरयानी बना सकते हैं, मटन यखनी बिरयानी बना सकते हैं। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं सिर्फ एक इस स्टॉक से। तो पहले मैं ये तैयार कर लेता हूँ। तो जब तक ये तैयार होता है स्टॉक, तब तक मैं तड़के की तैयारी कर लेता हूँ। तो दूसरे पैन के अंदर मैं सबसे पहले गैस चला लेता हूँ। इसके अंदर जाएगा तेल, तेल गर्म हो चुका है, इसके अंदर जाएगा अनियन की प्यूरे, और इसे भी अच्छे से कुक करना है तब तक जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। तो यहाँ तब तक स्टॉक में भी बॉयल आ चुका है, तो इसके अंदर मैं ये चिकन डाल देता हूँ, और चिकन डालने के बाद मैं इसे उबालूँगा कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। और जहांगीरी का मसाला बनाने के लिए मैंने कोई भी इसके अंदर तड़के में खड़ा मसाला नहीं डाला है, क्योंकि जो भी फ्लेवर है वो इस स्टॉक से आएगा, और इसके अंदर जो भी खड़े मसाले डालने थे वो मैंने सारे इसमें डाल दिए हैं। प्याज भून चुका है, नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, और हल्का सा इसे मैं भून लेता हूँ। सो नेक्स्ट इसके अंदर कुछ मसाले, सबसे पहले नमक, हल्दी, रेड चिली पाउडर, चिकन मसाला, और ये जो मसाला है बहुत ख़ास है क्योंकि वो बनाया गया है खुद मास्टर शेफ संजीव कपूर द्वारा। और एक और ख़ास चीज़ है कि इसे बनाने में जो प्रोसेस का यूज़ हुआ है उसकी वजह से इसके अंदर जो मसालों के जो नेचुरल ऑयल्स हैं वो सारे इंटैक्ट रखे गए हैं, सो दैट इनका जो फ्लेवर है वो मैक्सिमम हो। बस हल्का सा मैं सौते करता हूँ। सो मसाले भुन जाने के बाद इसके अंदर ये फ्रेश टमाटर की प्यूरे, और इसे अब मैं कर देता हूँ कवर, और कवर करके मुझे कुक करना है तब तक जब तक टमाटर अच्छे से पक नहीं जाते और मसाला जो है वो तेल नहीं छोड़ देता, तब मैं आता हूँ स्टॉक के ऊपर। सो स्टॉक को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। मैं एक काम करूँगा, मैं इसके अंदर से जो चिकन के पीसेज हैं मैं वो निकाल लूँगा, और एक दो जो छोटे पीसेज होंगे चिकन के वो अगर स्टॉक में रह जाएंगे सो नॉट टू वरी, वो इसके अंदर कुक होके इसके फ्लेवर को और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे। सो अब इस स्टॉक को मैं और ज़्यादा पकने देता हूँ, उबलने देता हूँ, ताकि इसका फ्लेवर जो है वो अच्छे से कॉन्सेंट्रेटेड हो और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल ये हो जाए। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो चिकन निकाला है ना इसे हल्का सा मैं पैन में फ्राई करूँगा। तो स्टॉक को मैं शिफ्ट कर देता हूँ दूसरे स्टोव के ऊपर, गैस में इसकी जला देता हूँ, और एक और पैन लेता हूँ, उसके अंदर मैं थोड़ा सा तेल डालूँगा,
सो तेल गर्म हो चुका है, अब ये जो चिकन के पीसेज हैं, तो चिकन को लाइटली ब्राउन होने तक मुझे हल्का हल्का इसे सौते करना है। इस तरीके से ये ब्राउन ब्राउन हो जाएगा बस, सो दैट इसका जो फ्लेवर है वो और भी ज़्यादा आ जाए। तो तब तक मैं तड़का चेक कर लेता हूँ। अच्छे से भुन चुका है, मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है, अभी जो चिकन के पीसेज हैं वो भी ब्राउन हो चुके हैं। नेक्स्ट ये जो चिकन है वो जाएगा तड़के के अंदर, और इसे तड़के के साथ मैं कर देता हूँ मिक्स। और थोड़ी सी इसकी हम बनाएंगे ग्रेवी, वो कैसे बनाएंगे, इस स्टॉक से। तो मैं इसे पहले छान लेता हूँ। ये जो स्टॉक है और इसके अंदर एक चिकन का पीस है, इसे भी मैं निकाल के तड़के के साथ ही मिक्स कर देता हूँ। अब सारा जो फ्लेवर है वो इसके अंदर है, तो ये मैं धीरे धीरे करके इसमें डालूंगा। तो इस चिकन को इसी के स्टॉक में हम अच्छे से पकाएंगे 5 से 10 मिनट के लिए, तब तक जब तक ये अच्छे से ग्रेवी जो है वो नाइस थिक कंसिस्टेंसी की नहीं हो जाती। और वो जो मसाले जो बच गए हैं छलनी के अंदर, आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसका बैंगन का भरता बना सकते हो, उसमें ये डाल सकते हो, बट ज़ाया ना करो तो बेहतर है। और इसके अंदर थोड़ा सा और स्टॉक, और इसे भी मैं कर लेता हूँ मिक्स, और इसे ढक के मैं पकने के लिए रख देता हूँ 5 से 7 मिनट के लिए। तो ग्रेवी को पकते हुए 7 मिनट हो चुके हैं, ग्रेवी बन चुकी है, मैं गैस कर देता हूँ बंद, और इसे अब डिश आउट करते हैं। और इसे गार्निश कर देते हैं हरे धनिए के साथ। तो बनाइए पुरानी दिल्ली स्टाइल चिकन जहांगीरी घर पे, इंजॉय कीजिए इसे बटर नान, गार्लिक नान या तंदूरी रोटी या फिर नॉर्मल चपाती के साथ। बनाइए, फीडबैक शेयर कीजिए, कमेंट करें, और उसके साथ साथ हमारे चैनल संजीव कपूर खजाना को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं कपिल आपके लिए और भी ढेर सारी रेसिपीज़ के साथ हाजिर होता हूँ, तब तक खाते रहो, खिलाते रहो, एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।